नमस्कार दोस्तों, आज 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सेब का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों बात करेंगे अफगानिस्तान वाले सेब की, हिमाचल वाले सेब की, आज की क्या पोजीशन है, क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि अम्मू भाई साहब से, अम्मू धवन जी से पूछो भी क्या बनेगा अगली बार सेब का, क्योंकि इनका जो है हिमाचल का बहुत बड़ा काम है। इनकी स्पेशल हिमाचल में अपनी मंडी है वहाँ पर लाफूघाटी में, और इनके अपने सीए स्टोर है। चलिए जान लेंगे हिमाचल वाले सेब की क्या पोजीशन है और अफगानिस्तान वाला जो सेब आ रहा भी है इसका क्या हाल चाल है, चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्ते जी, क्या हाल है भाई साहब जी। बहुत बंदे कॉमेंट कर रहे जी, आपके व्यापारी हैं भी, सेब के बारे में बताओ कुछ, हमको इस चक्कर व्यू से निकाल लो, अब की बार क्या बनेगा जी सेब का, क्या नहीं बनेगा जी। राणा जी ठीक है, अभी नॉन सीए के सेब जो है वो नहीं बिक रहे, बाकी सीए के सेब तो बिक रहे हैं। अच्छा, अदानी का यहाँ पर आ रहा है फार्म पिक, ग्रीन पिक, बीजा भी आ रहा है, देवभूमि भी शुरू हो गया। आज भी कम से कम 6-7 गाड़ियां हैं सबकी मिला के। आज आपके पास हिमाचल की 6-7 गाड़ी थी? हाँ, 6-7 गाड़ी थी सीए की। अच्छा, सारी बिक गई। सीए के माल बिक रहे हैं, इज्जत से बिक रहे हैं, जैसे माल है मतलब उनमें जो लेस कलर वाले माल है हाँ जी वो नहीं बिक रहे, बाकी जो अच्छे माल है कलर वाले मोटे साइज के मतलब लार्ज मीडियम स्मॉल। अच्छा जी, वो बिक रहा है, 210 दाना भी बिक रहा है, पिट्टू 240 में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, छोटे साइज में, बाकी मोटे साइज बिक रहे हैं और लेस कलर नहीं बिक रहे, फुल कलर वाले तो पहले बिक रहे हैं। 1700 रुपए के डब्बे बिक रहे हैं 9 किलो के, 9 किलो वाले 1700 रुपए के। कौन सी कंपनियों के जी हैं ये? फार्म पिक और अपना ये अदानी, देवभूमि, बीजा, सबका सेम ही रेट है, 19-20 का फर्क है। अच्छा जी, आप समझो हल्के माल 1500 से लेके अच्छे माल हाँ जी 3500 रुपए तक बिक रहे हैं इधर, बड़े डब्बे जी। हाँ, बड़े बक्से। अच्छा जी, अच्छा हाँ। तो जो सीए का इनकी वैल्यू है जी पूरी? हाँ, सीए तो ठीक बिक रहा है, नॉन सीए नहीं बिक रहा सही। अच्छा, क्योंकि नॉन सीए में माल के अंदर जान भी नहीं थी इस बार। अच्छा, और क्वालिटी भी नहीं थी, रस्टिंग भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तो श्रिंक भी हो गए, तो नॉन सीए नहीं बिक रहे, उसमें घाटा है 500 से 1000 रुपए बक्सा, बाकी सीए तो सही बिक रहा है। 500 से 1000 रुपए बक्सा? हाँ, घाटा है ना नॉन सीए के अंदर। और जो सीए में कुछ बच रहा जी इसमें, सीए में भी क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, जितना खर्चा सीए का जुड़ जाएगा बराबरी में छूटेंगे, क्योंकि इस बार रेट बहुत थे। अच्छा जी, पिछले साल तो बल्ले बल्ले हो गई थी जी सब। हाँ, पिछले साल देख के सब लोगों ने इस साल रख लिया। अच्छा जी, तो कंपनियों के अलावा यहाँ पर मंडी में अभी किसानी माल भी आ रहे थोड़े बहुत? नहीं, अभी सब कंपनियों के आ रहे हैं, जो ग्रोवर्स के हैं वो तो भी सीए किसी ने खोले नहीं। अच्छा, मेरे पास भी ऊपर 6 चैम्बर पड़े हैं ग्रोवर के अंदर, क्रेटों में माल रखे हैं सारे। अच्छा, अभी नहीं शुरू करे, मार्च में शुरू करो वही ऊपर। हाँ, वही है लाफूघाटी अपने स्टोर में। अच्छा जी, अब तो 2 सीए स्टोर हो गए हमारे। अच्छा जी, अच्छा ये बात बताओ जी, जो आपके किसानों के माल हैं कैसे हैं वो, देखे अभी कुछ? हाँ नहीं, माल तो ठीक निकल रहे हैं, टेस्टिंग कराई थी मैंने अभी सीए में, चेक कराया था, माल तो ठीक पड़े हैं, प्रेशर भी 16-17 का प्रेशर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक पड़े हैं माल। अच्छा जी, उम्मीद है बच जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो देखो रहेगा कि अच्छा होना चाहिए। अच्छा, घाटा तो नहीं होना चाहिए, अगर बराबरी होगी तो बराबरी हो जाएगी, लेकिन घाटा तो नहीं होगा सीए में। अच्छा जी, अच्छा चलो जी, घाटा नो है, घाटा नो है। तो यानी जैसे सीजन पे अबकी बार सेब का रेट बिल्कुल बढ़िया था तो ठीक था जी, जो सीए मतलब रेट तो अच्छा था, लेकिन अब लोगों ने फिर भी रखा क्योंकि लास्ट ईयर अच्छा लगा था। अच्छा जी, तो मैंने तो अपने ग्रोवर जितने भी थे सबको बोला थोड़ा थोड़ा रखो, ज्यादा मत रखो, अगर किसी के पास 5000 क्रेटें निकलती हैं हाँ तो 1000 रख लो ट्राई करने के लिए, ज्यादा। अच्छा, नहीं रखा, लेकिन रखा है सबने थोड़ा थोड़ा। और अब की बार आप हिमाचल में भी कुछ दिन पहले भी गए थे, कैसी फसल होगी, क्या उम्मीद कर रहे जी किसान? अब बर्फबारी अब हुई तो है, देखो अब स्नोफॉल अच्छी हुई है, अब अच्छी होनी चाहिए, लास्ट ईयर भी कम थी, इस साल तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, तो लगभग टोटल कितनी गाड़ी आ रही है मंडी में जी? जो मंडी में 10-12 गाड़ी आ रही है अभी सिर्फ सीए की बस। अच्छा जी, बाकी तो कश्मीर आज 180 गाड़ी है, कश्मीर की 180 गाड़ी। हाँ, और ये अफगान आ रहा है ये। अच्छा जी, हाँ, ये बिक रहा है समझो आप 500 से लेकर 700 रुपए, 50 रुपए किलो से लेकर 70 रुपए किलो बिक रहा है ये, 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो। हाँ, लेकिन इसमें इतनी जान नहीं है, सिर्फ ये दिल्ली और दिल्ली के 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। अफगानिस्तान वाले का काम आपका है, अफगानिस्तान का भी है जी काम? हमें तो हाँ 5 साल से आ रहा है ये, तो आता है बेचना है, हमें तो बेचने से मतलब है सेब बेचना। अच्छा जी, ये भी बेच रहे हैं। अच्छा जी, ये तो लेकिन इसमें जान नहीं होती इतनी, ये समझो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर ही अंदर जाके बिक जाता है। अच्छा जी, ये दूर नहीं जाएगा, ये जो यहाँ से बाहर की लोडिंग होगी या कहीं की? हाँ, जो नहीं वो लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं होगी, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लिए ही है बस। अच्छा, तो ये या तो वाया पाकिस्तान बॉर्डर से आता है? ये पाकिस्तान बॉर्डर से आता है भाई, गाड़ियों में ही। अच्छा जी, अच्छा, ईरान तो बॉम्बे आ रहा है, ईरान दिल्ली नहीं आ रहा। अच्छा, ईरान बिक रहा है 100 रुपए किलो बॉम्बे, 100 रुपए किलो बॉम्बे में, वो यहाँ यहाँ नहीं आता, वो वारा नहीं खाएगा। अच्छा जी, अच्छा, कश्मीर की 180 गाड़ी है आज कश्मीर ने भी, अब पूरे दरवाजे खोल दिए जी फिर तो? अभी तो कश्मीर के सीए नहीं खुले, अभी तो ये ताजी गाड़ी जिन्होंने रोक के रखी हुई थी वही माल आ रहे हैं अभी कश्मीर में भी माल ज्यादा है जी अब की बात। इस बार भी लास्ट ईयर से 1.5 गुना सीए में पड़ा माल। अच्छा जी, सब वो तेजी के चक्कर में जी, सबने लास्ट ईयर का देख के रख लिया। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी, इनका 50 से 70 रुपए किलो बताया जी आपने। हाँ, ये 50 से 70 रुपए किलो। चलो जी, बस मेन चीज ये बताओ जी,
जोन से चक्कर व्यू में फंसे बाहर निकल जाएंगे, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं इसमें? सीए में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, चाहे धीरे धीरे निकलेंगे निकल जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, बस इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? जेसीओ ट्रेडर्स, लाफू घाटी तो है ही है। हाँ जी, और दिल्ली सी 124। अच्छा जी, और एक बार मोबाइल नंबर किसी को? 9811-222-111। धन्यवाद भाई साहब। वहाँ पर आपके कितने स्टोर हो अभी हैं सीए वाले? हाँ, दो सीए स्टोर हो गए ना राणा जी, लाफू घाटी में। लाफू घाटी में हाँ, 1.5 लाख क्रेट की जगह बन गई हमारे पास। अदानी में जैसी मशीन लगी है, वैसी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग वाली मशीन भी लग गई। चलो सॉर्टिंग की, कब चलोगे जी अब आप वहाँ पर? मैं जब चलूंगा आपको लेकर चलूंगा, मार्च में फिर वीडियो बनवाएंगे आपसे। चलो जी, जरूर चलूंगा जी आपके साथ। ठीक है राणा जी। लो जी, ये थे आज के सेब के जो अफगानिस्तान वाले, हिमाचल वाले रेट, और यही इकराम भाई साहब भी बेच रहे, और भी सब बंदे यहीं पर माल बेच रहे जी, ये जो अफगानिस्तान के माल आ रहे जी।